बिहार चुनाव इस बार राज्य की सियासत में नए नेतृत्व के उभार का भी साक्षी बनेगा। साथ ही उभरते नायकों की अग्नि परीक्षा भी होगी। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि बिहार की राजनीति में जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे बिहार में गठजोड़ की सियासत भी कुशल होती गई। कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। राज्य में हो या फिर राष्ट्रीय राजनीति, ये दावे के साथ कहना बहुत मुश्किल है कि एक दल या फिर गठबंधन की सरकारों में कौन ज्यादा स्थायी होता है। राष्ट्रीय स्तर पर शुरुआती दौर में गठबंधन की सरकारें अस्थायी हुआ करते थे और कई अपना 5 साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर सके। 1977, 1996 और 1998 की केंद्र सरकारें इसका उदाहरण है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया गठजोड़ की सियासत परिपक्व होती गई और 1999 के बाद गठबंधन की सरकारों ने अपना कार्यकाल पूरा किया। लेकिन यहाँ पर बिहार के साक्ष एकदम उलट हैं। मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के हिसाब से देखें तो बिहार में एक दल की तुलना में गठबंधन की सरकारें केंद्र की तुलना में ज्यादा स्थायी रही। बिहार में 14 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को जब जब पूर्ण बहुमत मिला तब उसने बड़े अंतर से चुनाव जीता। ये परिदृश्य 1985 तक कायम रहा। 1995 और 2010 के चुनाव अपवाद हैं। 1995 में लालू का गठजोड़ और 2010 में नीतीश के गठजोड़ की जीत का अंतर ठीक ठाक था। बीते 3 दशक में बिहार में गठबंधन की सरकारें बनी जरूर पर जीत का अंतर काफी कम रहा। मुख्यमंत्रियों के कार्यकाल के हिसाब से सिंगल पार्टी की मेजोरिटी वाली सरकार अधिक अस्थिर रही। 1990 में जब लालू सीएम बने तब जनता दल के साथ कई दल थे। 1995 में दोबारा जीतने के बाद वो आराम से 5 साल का कार्यकाल पूरा करने की स्थिति में थे। लेकिन 1997 में उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। तब राजद सरकार की कमान राबड़ी देवी के हाथ में आई। हालांकि इस बीच लगे विवादास्पद राष्ट्रपति शासन को छोड़ दें तो राबड़ी देवी ने 2000 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। 2000 के चुनाव में आरजेडी फिर सत्ता में आई। इसी वर्ष राज्य का विभाजन भी हुआ। 2005 में आरजेडी की सरकार बनी और नीतीश सीएम बने। लेकिन 3 कार्यकाल पूरे किए। लालू, राबड़ी, नीतीश ने गठबंधन की ही सरकार चलाई और सभी स्थिर सरकारें रहीं। अक्सर बीच में ही मुख्यमंत्री बदल गया। 1952 से 1985 के बीच कांग्रेस को कई बार पूर्ण बहुमत मिला। कालखंड के हिसाब से ये समय सीमा 30 वर्ष की है और इस दौरान कांग्रेस के 13 मुख्यमंत्री बदले। 1972 से 1975 के बीच कांग्रेस ने 3 सीएम केदार पांडे, अब्दुल गफूर और डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा बदले। 1985 से 1990 जब कांग्रेस के पूर्ण बहुमत की अब तक की अंतिम सरकार बनी उसमें भी सीएम बदलते रहे। बिंदेश्वरी दुबे, भागवत झा आजाद, सत्येंद्र नारायण सिन्हा और डॉक्टर मिश्र इस कार्यकाल में सीएम बने। कांग्रेस का कोई सीएम 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सका। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकारों में सीएम के चेहरे बदलते रहे। 1977 से 1980 के बीच बनी जनता पार्टी की सरकार भी अस्थिर रही और 3 साल में 2 सीएम रामसुंदर और कपूरी बने। जहां तक विकास की बात है ये बहस का विषय है कि एक दल की बहुमत या फिर गठबंधन की सरकारों में से किसका प्रदर्शन बेहतर होता है। लेकिन अब तक की ये सभी साक्ष्य तो यही प्रमाणित कर रहे हैं कि गठबंधन की सरकारें अस्थिर नहीं होती। स्पेशल डेस्क टोटल टीवी।